नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी श्री एन आर गावी इस्लामपूर हायस्कूल इस्लामपूर मित्र हो आज आपण पुन्हा पेटूराम हाच पाठ बघणार आहोत सुरुवातीला मी तुम्हाला एकदा यावरील व्हिडिओ टाकला होता परंतु पुन्हा आपण प्रत्येक पाठाची उजळणी घ्यायला लागलोय आणि आज आपण पेटूराम हा पाठ बघणार आहोत तर मित्र हो चला सुरू करूया कक्षा पाचवी पाठ पेटूराम तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए ये पाठ मैं पढ़ता हूं चलिए भोजन तैयार है आप भोजन कीजिए मैं क्या आप भोजन नहीं करेंगे आज मेरा उपवास है उपवास में कुछ तो लेते होंगे हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ फिर संकोच कैसा कृपया बताइए अंगूर मिलते हैं हाँ बहुत मिलते हैं केवल आधा किलो मंगवा ले और आधा दर्जन केले एक किलो सेब और एक पाव मेवा सवा पाव मिठाई बस या कुछ और आधा लीटर दूध और रबड़ी बस ठीक और कोई आज्ञा नहीं नहीं आज मेरा उपवास है व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता थी, थी। तो दोस्तों आप पांचवी कक्षा में है और हिंदी विषय आपके लिए नया है और इसलिए मैं इस पाठ की जानकारी हिंदी और थोड़ी मराठी में भी बताऊंगा कुछ शब्द के अर्थ ये बताऊंगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों तो चलिए देखते हैं चलिए भोजन तैयार है भोजन जिसे हम मराठी में जेवंग कहते हैं कि भोजन तुम्हारा तैयार है तो पेटूराम कहता है आप भोजन कीजिए मैं तो आप भोजन कीजिए और मैं इतना कह के वह रुक जाता है तो उसे पूछते हैं कि आप क्या आप भोजन नहीं करेंगे तो पेटूराम क्या कहता है आज मेरा उपवास है उपवास का मतलब है व्रत आज मेरा व्रत है और आगे उसे पूछा जाता है कि उपवास में कुछ तो लेते होंगे उपवास में कुछ तो खाते होंगे आप तो पेटूराम क्या कहता है देखिए हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूं थोड़ा बहुत खा लेता हूं थोड़ा सा खा लेता हूं तो फिर संकोच कैसा कृपया बताइए संकोच मुझे लाजने मराठीत लाजने मग लाजता कशाला संगा तो पेटूराम कहते हैं कि अंगूर मिलते हैं अंगूर मंजे द्राक्षे हाँ बहुत मिलते हैं बहुत का मतलब है भरपूर भरपूर मिलते हैं अंगूर केवल आधा किलो मंगवा लें केवल कितने आधा किलो पेटूराम को पूछा जाता है और आधा दर्जन केले दर्जन का मतलब है डजन आधा दर्जन केले एक किलो सेब सेब का मतलब है सफरचंद और एक पाव मेवा पावशेर मेवा मेवा म्हणजे खारी बदाम काजू हे सगळं मिक्स जे असतं त्याला आपण मेवा म्हणतो हे तुम्हाला माहिती आहे एक पाव मेवा सव्वा पाव मिठाई स्वीटमधून काही सव्वा आ, सव्वा पावशेर मिठाई आना बस या कुछ और आधा लिटर दूध और रबडी तो रबड़ी देखिए आपको पता ही होगी आपने पी होगी रबड़ी आधा लीटर दूध और रबड़ी ठीक और कोई अज्ञा अजुन का ही आज्ञा है का आमचा तो पेटूराम कहता है नहीं नहीं आज मेरा उपवास है और व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता इतना ही मैं खाऊंगा तो इस तरह ये पेटूराम कहता है इसके लेखक जो है ये है त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताता हूँ नीचे जो चिन्ह दिए गए हैं ये चिन्ह देखिए पूर्ण विराम किसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण विराम कैसे दिया जाता है देखिए उसके बाद ये अल्प विराम है यहाँ पर देखिए अल्प विराम और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये विश्व बोधक चिन्ह है और इस इसे सॉरी इससे कहते हैं अर्धविराम तो कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है ये देखिए आप धन्यवाद दोस्तों